पहुंचे हैं जहां पर हमारे बड़े भाई एसएसवी प्रभारी निरीक्षक एसके सरोज साहब वहां से बुलाए भी हैं, लेकिन विलंब ज़्यादा था, धूप देखना था, इसलिए हम आज का ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपने प्रभारी निरीक्षक को सौंपेंगे और आपसे अपेक्षा करेंगे कि ये हमारा ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुँचाने का कार्य आप करेंगे। हम ये ज्ञापन पढ़कर सुना रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार नई दिल्ली, कर्नाटक राज्य में जैन साधु का अपहरण कर निर्मम हत्या हुई, मामले की सीबीआई जांच कराई जाने के संबंध में। महोदया, जैसा कि आपको विदित है कि जैन समाज व जैन साधु भगवान महावीर का अनुयायी है, अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलकर दिशा देने का कार्य करते हैं। जैन संत हमारी धरोहर है, इनकी रक्षा व सुरक्षा करना देश का कर्तव्य है। विगत 6 जुलाई को कर्नाटक के चिक्कोड़ी जिले में जैन संत आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज का अपहरण कर नृशंस हत्या कर टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिए, जिसका पूरा जैन समाज निंदा करता है। ऐसा तो कभी मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल में भी किसी संत के साथ नहीं हुआ, जो कि आज इस लोकतांत्रिक देश में हुआ है। इस संबंध में जैन समाज आपसे निम्न मांग करता है। नंबर 1, इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। नंबर 2, हत्यारों को फांसी की सजा दिलाई जाए। नंबर 3, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। नंबर 4, कर्नाटक महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा अध्यादेश लागू किया जाए कि कहीं भी जैन साधु विचरण करते हैं तो उनकी मजबूत सुरक्षा पुलिस प्रशासन द्वारा कराई जाए। नंबर 5, जैन समुदाय की रक्षा और सुरक्षा हेतु जैन आयोग का गठन भी किया जाए। ये सकल दिगंबर जैन समाज इटियाथोक की ओर से ये ज्ञापन माननीय हमारे प्रभारी निरीक्षक महोदय के द्वारा हम इसको राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं और आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप इसको महामहिम राष्ट्रपति जी को हमारे साथ में, हमारे इस आज के इस कवरेज में और इसमें सहयोग में
भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद हैं। हम इन सभी लोगों का, चूंकि ये मसला हिंसा से जुड़ा मसला था और बहुत ही नृशंस हत्या हुई है, इसके लिए हम मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करेंगे कि इसको पूरे भारत के सभी चैनलों पर इतना प्रसारित किया जाए कि उन दोषियों को अच्छा दंड मिले और उनको फांसी की सजा मिले। ये एक चर्चा का विषय है। आज पूरे भारतवर्ष में जैन समाज के द्वारा इसी समय सभी दुकानें बंद करके और पूरे भारत के अंदर रैली करके और ये आक्रोश व्यक्त करके और समय समय पर सब जगह ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी क्रम में हम अपने प्रभारी निरीक्षक महोदय को भी यह ज्ञापन संबोधित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम क्या आयोजित हो रहा है? मेरा नाम महेंद्र कुमार जैन है। मैं श्री सितम्बर जैन मंदिर गाँव का मित्री हूँ और जैन समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो ये आज हम लोगों का जो ये आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन जो है 6 जुलाई को हमारे बहुत बड़े जैन संत आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी महाराज वहाँ पर थे, कर्नाटक के कोल जिलों में, और वहाँ पर उनका निवास था, एक तीर्थ स्थान पर वो थे। और इसी अराजक तत्वों ने उनको रात में 10 बजे बोरे में भर कर गाड़ी में लाद करके वो मौन साधना में थे और ले जा करके कहीं अलग रख दिया और उसके बाद उनको टॉर्चर किया गया और बहुत करंट लगाया गया और टॉर्चर करंट लगाने के बाद उनको टुकड़े टुकड़े करके बोरबिल में डाल दिए गए। जब वहाँ का जैन समाज कर्नाटक का बहुत विरोध किया तो 2 लोग उसमें पकड़ में आए और वो आजकल जो है उसमें पुलिस हिरासत में हैं और जैन समाज इससे जो है निंदा करता है। आप सभी क्या मांग करते हैं? हम इस चीज की मांग करते हैं कि जो और हत्यारे हैं इस पूरे घटनाक्रम की CBI CID जांच कराई जाए और जांच करने के बाद उन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए ताकि निकट भविष्य में पूरे भारत में किसी भी समाज का साधु के साथ ये कृत्य दुष्ट न कर सके। इसलिए हम लोगों का ये आशय है कि उनको फांसी की सजा दी जाए। सभी प्रकार की दान राशियों हेतु श्री दिगंबर जैन श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नाम से निम्नलिखित खाता संख्या में धनराशि जमा करके कार्यालय में सूचित करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदरणीय पिताजी व माताजी श्रीमान नरेंद्र जैन जी व श्रीमती सुदेश जैन, श्री विपिन जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती दीपा जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती सोनिया जैन। बारस गोल्ड TMT लीडर्स इन TMT बार्स, सुदेश इंडस्ट्रीज, बहराइच, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, मूल निवासी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।